अभी तक हमने एटॉमिक मास, आयनिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला यूनिट मास ये सब पढ़ा। अब हम लोग इन सभी को यूनिफाइड कर लेते हैं मोलर मास के कंसेप्ट से। मोलर मास क्या है? मास ऑफ वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास। मास ऑफ वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास। सिंपल बात है, बाय डिफिनेशन ये आप लिख सकते हो कि मोलर मास इज इक्वल टू, मोलर मास को हम लोग मोलर वेट भी कह सकते हैं, एंड मोलर मास विल बी इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोल ऑफ सब्सटेंस। मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोल ऑफ सब्सटेंस, मास पर यूनिट मोल इज कॉल्ड मोलर मास। इससे आप एक फॉर्मूला लिख सकते हो कि किसी भी सब्सटेंस का अगर आपको मोल निकालना है तो आपको क्या करना होगा, मास ऑफ दैट सब्सटेंस जो दिया गया है डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोल कंसेप्ट का दूसरा फॉर्मूला हम लोग को इस्तेमाल करना होता है मोल निकालने का। पहला फॉर्मूला है मोल निकालने का, मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ सब्सटेंस बाय एवोगाड्रो नंबर। दूसरा है मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस बाय मोलर मास। अब देखिए इसी को हम एटम मॉलिक्यूल आयन सब के लिखते हैं। आप जानते हो कि फॉर एटम, एटम के लिए क्या होता है, मोलर मास विल बी इक्वल टू क्या, ग्राम एटॉमिक मास। अभी हमने पढ़ा है जब एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम देता है, मतलब मोलर मास ऑफ एटम देता है, मतलब मोलर मास ऑफ एटम इज इक्वल टू मास ऑफ, मोलर मास ऑफ एटम इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। तो इससे अगर आप इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, तो अगर हम मोल ऑफ एटम लिखना चाहें तो मोल ऑफ एटम क्या होगा, मास ऑफ एटम डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास। सिंपल, मास बाय एटॉमिक मास, वेट बाय एटॉमिक वेट, लोग याद रखते हैं, लेकिन आप याद रखो हमेशा इस तरीके से कि मास ऑफ एटम डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास, नॉट एटॉमिक मास, एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। अगर आपको नंबर ऑफ एटम चाहिए तो नंबर ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू मोल ऑफ एटम और इनटू एवोगाड्रो नंबर। मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू हुआ मास ऑफ एटम डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास इनटू एवोगाड्रो नंबर, आप यही यूज कर दोगे मोल ऑफ एटम निकालने के लिए। मास ऑफ एटम डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास, नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए मास ऑफ एटम जो दिया गया है डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास इनटू एवोगाड्रो नंबर। जैसे कि देखिए हम एक सवाल इस पे करते हैं, इस फॉर्मूले के आधार पे हम एक सवाल करते हैं। ये जो फॉर्मूला है सिर्फ इसी से आया है,
सिंपल है, मोल ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास, इसी से ये आया है। और फिर मोल जब निकल गया तो नंबर निकालने के लिए याद करिए पहला फॉर्मूला, मोल निकालने वाला, नंबर इज इक्वल टू मोल इनटू अवोगाड्रो नंबर, बिकॉज मोल इज इक्वल टू नंबर बाय अवोगाड्रो नंबर। तो देखिए हम एक सवाल छोटा सा करते हैं इसमें, मान लिया आपसे कहा जाए फाइंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 10 ग्राम ऑफ ईट। देखिए तो क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर निकालना है तो पहले हम मोल निकालेंगे, मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, और मोल निकाल करके उसमें हम एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। मोल ऑफ एटम क्या होगा, मास गिवेन, जो मास दिया गया है, डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास और इनटू एवोगाड्रो नंबर। मास गिवन हमारा है 10 ग्राम, ग्राम एटॉमिक मास है कितना 16 ग्राम, और इनटू एवोगाड्रो नंबर, ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा 5/8 N, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, गुणा भाग कर सकते हो आप, ये ओके। इस तरह से हम लोग अप्रोच करेंगे, ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज, एटम का नंबर, एटम का मोल निकालने के लिए ये दोनों फॉर्मूला आप यूज करोगे जो इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है, ठीक है। अब देखिए हम अब मॉलिक्यूल के लिए करते हैं। अब जानते हो कि फॉर मॉलिक्यूल के लिए मोलर मास विल बी इक्वल टू ग्राम मोलेकुलर मास, मोलर मास विल बी इक्वल टू ग्राम मोलेकुलर मास। और इसीलिए अगर हम मोल ऑफ मोलेकुल निकालना चाहें, मोल ऑफ मोलेकुल निकालना चाहें, तो जो मास दिया गया है, मास ऑफ मोलेकुल जो दिया गया है, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, मोलर मास की जगह हम ग्राम मोलेकुलर मास अप्लाई करेंगे, ग्राम मोलेकुलर मास अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मोल निकल गया, अब फिर अगर नंबर ऑफ मोलेकुल निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोलेकुल निकालने के लिए हम लोग मोल ऑफ मोलेकुल में एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे, और हम इसको यूज करके कर सकते हैं ऐसे, ऊपर हमारे पास है मास गिवेन, जो मास दिया गया है मोलेकुल का, डिवाइडेड बाय ग्राम मोलेकुलर मास और इनटू एवोगाड्रो नंबर, ये नंबर ऑफ मोलेकुल निकल गया। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको किसी मोलेकुल में एटम का संख्या पूछता है, तो मान लिया आपके पास नंबर ऑफ एटम पूछा जाए, नंबर ऑफ एटम पूछा जाए तो आप कुछ नहीं नंबर ऑफ मोलेकुल निकाल लोगे, और पर मोलेकुल जो एटम का संख्या है जिसको कि हम लोग एटॉमिसिटी कहते हैं उससे गुणा कर दोगे। सिंपल से बात, जैसे कि अगर हम Na2SO4 लें तो अगर हम आपसे पूछें एटॉमिसिटी क्या है सोडियम का, कितना होगा 2, एटॉमिसिटी सल्फर का, एटॉमिसिटी सल्फर का कितना है 1, एटॉमिसिटी ऑक्सीजन का कितना है 4। पर मॉलिक्यूल जो एटम का संख्या है इसी को एटॉमिसिटी कहते हैं, ठीक है, ठीक।
अब देखिए, मान लिया हम इस पे एक बेस्ट सवाल आपको पूछ रहे हैं कि इस पे एक सवाल हम आपको करवाते हैं। मान लिया आपसे बोलते हैं कि फाइंड नंबर ऑफ मोल ऑफ Na2CO3 10H2O इन 50 ग्राम ऑफ हीट, ऑल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन इट। सवाल यह है कि हमको 50 ग्राम में नंबर ऑफ मोल ऑफ Na2CO3 10H2O निकालना है एज वेल एज नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालना है। देखते हैं, जो मास गिवन है वो है 50 ग्राम, जो ग्राम मोलेकुलर मास है किसका, हमारे पास Na2CO3 10H2O का, वो क्या है 23 × 2 + 12 + 16 × 3 + 10 × 18। अब जोड़ोगे तो आएगा 46 + 12 + 48 + 180, मतलब 106 + 180 एग्जैक्टली इक्वल टू 286 ग्राम। नंबर ऑफ मोल अगर निकालना है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट गिवन डिवाइड बाय ग्राम मोलेकुलर वेट। वेट गिवन है 50 ग्राम और डिवाइड बाय 286 ग्राम, 50/286, ये नंबर ऑफ मोल निकल गया Na2CO3 10H2O का। अब अगर हमको फिर आपसे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ एटम निकालिए, कौन सा एटम, ऑक्सीजन एटम, तो अगर हमको नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछ रहा है तो हम नंबर ऑफ मोलिकुल निकाल के ऑक्सीजन के एटॉमिसिटी से गुना कर देंगे। तो नंबर ऑफ मोलिकुल क्या है, नंबर ऑफ मोलिकुल क्या है इसमें, नंबर ऑफ मोलिकुल होगा नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर, और नंबर ऑफ मोल हम लोग निकाल चुके हैं 50/286 × एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, अब एटॉमिसिटी हमको निकालना होगा, एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इन किसमें, Na2CO3 10H2O में कितना है, साफ साफ दिख रहा है कितना है 13। जब एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन Na2CO3 10H2O में 13 है तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आप बहुत आसानी से लिख सकते हो, क्या होगा नंबर ऑफ मोलिकुल इंटू एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ मोलिकुल इंटू एटॉमिसिटी। कितना है नंबर ऑफ मोलिकुल है 50/286 Na और इंटू एवोगाड्रो नंबर मतलब इंटू 13, 650/286 एवोगाड्रो नंबर, ये नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम हुआ। पहले हमने मोल ऑफ मॉलिक्यूल निकाला, फिर हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाला, एंड देन आफ्टर हमने नंबर ऑफ एटम निकाला। समझ में आया, ये है पॉइंट। इस तरह से आप वेट वटा मोलर वेट का फॉर्मूला, मास वटा मोलर मास का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए आप करोगे। ठीक है,
देखिए अब उसके बाद जिस तरह से हमने एटम और मॉलिक्यूल के लिए किया सेम तरीके से हम लोग आयन के लिए भी कर सकते हैं. मान लिया फॉर आयन आप जानते हो कि मोलर मास इज इक्वल टू क्या होगा. मोलर मास विल बी इक्वल टू ग्राम आयनिक मास. मोलर मास विल बी इक्वल टू ग्राम आयनिक मास. तो मोल ऑफ आयन अगर आपको निकालना है तो बिल्कुल उसी तरह से अगर आप मास ऑफ आयन जो दिया गया है और डिवाइड बाय ग्राम आयनिक मास कर दोगे. नंबर ऑफ आयन अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, मोल ऑफ आयन मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर. मोल की जगह आप लिख सकते हो मास ऑफ आयन गिवेन और डिवाइड बाय ग्राम आयनिक मास इनटू एवोगाड्रो नंबर. ग्राम आयनिक मास इनटू एवोगाड्रो नंबर. बहुत आसानी से सुनना है ना, सबके लिए वही है. मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू मास ऑफ एटम डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास. मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मास ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास. मोल ऑफ आयन इज इक्वल टू मास ऑफ आयन डिवाइड बाय ग्राम आयनिक मास. अब देखिए इसमें एक सवाल कर लेते, इस फॉर्मूला पे हम लोग एक सवाल कर रहे हैं. मान लिया आपसे हम पूछते हैं फाइंड द नंबर ऑफ मोल इन 10 ग्राम ऑफ O2 माइनस आयन. ऑल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन इट. कैलकुलेट द चार्ज प्रेजेंट ऑन स्पेसिस ऑल्सो, चार्ज प्रेजेंट ऑन आयन ऑल्सो. तीन पार्ट है सवाल का, तीनों पार्ट कर लेते हैं, बहुत इजी है. देखिए सबसे पहले मास गिवन, मास गिवन है O2 माइनस का कितना 10 ग्राम. अगर हम ग्राम आयनिक वेट की बात करें या ग्राम आयनिक मास की बात करें O2 माइनस का तो कितना होगा 16 ग्राम. बात अभी हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन ऐड करने या रिमूव करने से मास में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली है यहां पे. तो अगर हम नंबर ऑफ मोल निकाले, नंबर ऑफ मोल निकाले तो क्या होगा 10 ग्राम वेट बाय ग्राम आयनिक वेट. 10 by 16 नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 माइनस आयन निकल गया. अब देखिए आपसे अगला पार्ट कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकालिए. अब देखो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ O2 माइनस आयन निकाल लेना चाहिए, क्योंकि हर आयन में अलग, मतलब आयन में अलग अलग प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, पहले आयन का संख्या. तो मोल ऑफ आयन इंटू एवोगाड्रो नंबर, मतलब 10 by 16 Na. ठीक है. अब इन ईच O2 माइनस आयन नंबर ऑफ प्रोटोन
नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा एटॉमिक नंबर के बराबर, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम में प्रोटॉन के बराबर होता है। यहां आयन है, इसका मतलब है कि हमने दो इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड किया है, तो 8 पहले से था, आयन बनाने के लिए 2 ऐड किया, 10। तो नंबर, अगर हम टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हो कि क्या होगा, नंबर ऑफ आयन इनटू पर आयन कितना प्रोटॉन है, 10/16 Na इनटू 8 मतलब 5 Na। आप समझ सकते हो कि हमने गुणा भाग अंतिम में किया तो कुछ फायदा हुआ। टोटल नंबर ऑफ अगर हम बात करें, टोटल नंबर ऑफ बात करें अगर हम इलेक्ट्रॉन का, तो क्या होगा 10/16 एवोगाड्रो नंबर इनटू 10, 100/16 Na। ये हमारे पास निकल गया प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का संख्या। अभी एक और चीज बचा हुआ है, कैलकुलेट द चार्ज प्रेजेंट ऑन आयन ऑल्सो। देखिए चार्ज ऑन वन आयन कितना है, चार्ज ऑन वन ओ टू माइनस आयन कितना है, बहुत लोग इसको 2 बोलेंगे, -2, जो कि सही नहीं है। -2 +2 +1 -1 ये सब रिलेटिव चार्ज है, एक्चुअल चार्ज इस पे होगा -2 × 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। -2 × 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। अगर एक आयन पे इतना चार्ज है, नंबर ऑफ आयन इतना है, तो टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज हो जाएगा आपका नंबर ऑफ आयन मल्टीप्लाइड बाय चार्ज पर आयन, चार्ज पर आयन। नंबर ऑफ आयन है आपके पास 10/16 Na और इनटू चार्ज पर आयन है -2 × 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। और अगर आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो आएगा माइनस साइन सबसे आगे हमने कर दिया, 2 से कैंसिल कर दिया, आई थिंक 10 से कैंसिल हो जाएगा। अभी हम 1.6 × 6.022 × 10⁻²³ इसमें है और 10⁻¹⁹ इसमें है, तो हम करें तो कितना होगा 10⁻⁴। अब हम कैंसिल कर लेते हैं, ये हो गया 10 कैंसिल हो जाएगा कितना, -12.044 जिसको कि हम 1.224 लिख सकते हैं इनटू डेसिमल एक एडजस्ट करेंगे तो 10⁻¹। समझ में आया, हमने एटम के लिए एक प्रॉब्लम किया, मॉलिक्यूल के लिए प्रॉब्लम किया, एक आयन के लिए प्रॉब्लम किया। हम एक जनरल प्रॉब्लम कर लेते हैं, जनरल प्रॉब्लम कर लेते हैं मतलब एटम मॉलिक्यूल ना देकर के किसी का भी मोल निकालने के लिए पूछा जाए आपसे, तो आपको कैसे निकालना है देखिए। मान लिया आपको सवाल पूछते हैं फाइंड नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 kg ऑफ इट, 1 kg इलेक्ट्रॉन में नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालिए, 1 kg प्रोटॉन में, सब में सवाल ऐसे बोल सकते हैं। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया गया है, गिवन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1 kg, ठीक है। हमें फॉर्मूला क्या लगाना है, मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस इनटू डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन आप सबको पता होगा 9.11 × 10⁻³⁹ kg, सभी लोगों को पता होगा ये। तो मास ऑफ
वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मोलर मास, हमको मोलर मास निकालना होगा, मास ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन और इनटू एवोगाड्रो नंबर, मतलब 9.11 10 टू द पावर माइनस 31 केजी और इनटू 6.022 10 टू द पावर 23। कैलकुलेशन करोगे तो आएगा 9.11 6.022 इनटू 10 टू द पावर माइनस 8 केजी। ये हो गया हमारा मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सुना हमको मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास लगाना, तो मोलर मास निकाला हमने, एक मोल का मास, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब फॉर्मूला लगाते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन और डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 केजी दिया गया है, मोलर मास आपने निकाला 9.11 6.022 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 केजी, कैंसिल होगा आ जाएगा 10 टू पावर 8 डिवाइड बाय 9.11 इंटू 6.02। समझ में आया, ये हमारा मोलर मास से रिलेटेड नंबर ऑफ मोल निकालने का तरीका था, नंबर ऑफ सब्सटेंस निकालने का तरीका था। हम लोग दो फॉर्मूला अब तक पढ़ चुके हैं मोल निकालने के लिए, मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर एंड देन मोल ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है।